हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप दिल्ली से हैं और अगर आप दिल्ली में आप अपना EWS सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जो है अगर आप बनाना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे बनेगा और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और दोस्तों डॉक्यूमेंट के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर क्या क्या लगता है इसको बनाने के लिए और कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ छोटा सा एक ब्रीफ में, हालांकि मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है और आगे भी बना दूंगा एक नया लेटेस्ट वीडियो कि आप दिल्ली का EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। हालांकि मैं अभी डॉक्यूमेंट की बात करूँ और एक छोटा सा ब्रीफ दे दूँ डॉक्यूमेंट से पहले कि आप इसे बनाते कैसे और कैसे इसका क्या प्रोसीजर होता है, वो थोड़ा एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये आपका ऑफलाइन अभी नहीं बनेगा, ऑफलाइन के लिए पता नहीं मुझे प्रोसेस, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो मैं ऑनलाइन का प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों edistrict.delhi.gov.in से आपको यहाँ पे अपना इस ऑफिशियल, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, देख सकते हो edistrict.delhi.gov.in जो है ये एक ऑफिशियल आपका वेब पेज है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वगैरह खुद से क्रिएट करना होगा। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आपको अपना डिटेल्स, खुद का डिटेल्स भर करके आईडी क्रिएट कीजिएगा। अगर आपकी एज 18 से कम की है तो दोस्तों अपने माता या पिता की मतलब डिटेल्स भर करके आईडी क्रिएट कीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई जिस तरह से प्रोसेस होता है, ऑनलाइन अप्लाई करके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बताऊंगा एक एक करके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने होते हैं। और जब आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है तो दोस्तों जो आपका सब डिविजनल ऑफिस जहां पे होता है SDM ऑफिस, यानी कि जो भी आपके SDM जहाँ पर भी ऑफिस होता है, जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर मेरा जो SDM ऑफिस है वो है साकेत में, ठीक है। और यहाँ पे मैं गया था, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास ही था तो मैं वहाँ पे गया। और अप्लाई करने के बाद जब डॉक्यूमेंट आप कर दोगे उसके बाद आपको वेरिफिकेशन भी जा करके करवाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपका जो है वो 14 डेज़ के अंदर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। अगर 14 डेज़ के अंदर आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में आप खुद वहाँ पे SDM ऑफिस दोबारा चले जाइएगा सर्टिफिकेशन सेंटर में, ठीक है। मैं उसकी भी एक फ़ोटो, चलो छोड़ो उसकी नहीं दिखाता हूँ, बाकी वहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेशन सेंटर का मतलब वहाँ पर आपको पता चल जाएगा जाने के बाद, ठीक ना। किन्हीं से पूछ लीजिएगा कि मेरा OBC सर्टिफिकेट 14 दिन हो गया, 14 दिन प्लस हो गया और नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूँ। कोई वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति जानकारी ज़रूर दे देंगे कि आप वहाँ पे चले जाइएगा, उस बिल्डिंग में चले जाइएगा, तो जाइएगा तो उसी समय दोस्तों अप्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो EWS सर्टिफिकेट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है मैं यहाँ पर डायरेक्टली वहीं से ये फ़ोटो जो है वो कैप्चर करके आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका जो है आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद माता और पिता का आईडी प्रूफ, माता और पिता का भी मतलब आईडी प्रूफ लगता है, जैसे कि उनका आधार कार्ड हो गया। आप पढ़ रहे हो तो एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। 1 फाइनेंशियल ईयर का जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो लगता है, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, अगर आप नहीं कमा रहे हो तो ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी पेपर है, ठीक है, वो आपको देना होगा, जैसे कि आपका जो जो भी लैंड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो ज़मीन का कागजात वगैरह होता है वो आपको यहाँ पे, या अगर आप दिल्ली में रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों एक्चुअली मैं फ़ोटो जब खींच रहा था तो शीशे के अंदर ये चिपका हुआ था तो फ़ोटो मैं ले नहीं पाया, ठीक है, अच्छे से। तो ये आप, ये रेंट एग्रीमेंट है और ये प्रॉपर्टी पेपर है, ठीक है, 5 नंबर है ये, ठीक है। फिर आपकी जो एफिडिफिट है वो आपको, एफिडिफिट इनकम की जो एफिडिफिट होगी वो आपको यहाँ पर मैंडेटरी लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका एफिडिफिट जो है एग्रीकल्चर, ये आपका दोस्तों मतलब जितने ये जो है ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। और 2 विटनेस की आईडी आपको लगती है, मतलब दोनों 2 विटनेस का। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख रहे हो सब पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, यानी कि दोस्तों आपका सभी डॉक्यूमेंट पर साइन होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आप देखोगे उनमें सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है सिंपली भाषा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे उसका प्रिंटआउट निकाल करके उस पर साइन भी करना होता है, ठीक है। तो आप अपलोड कर दीजिएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी आपको जा करके SDM ऑफिस में, वहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेशन सेंटर जहाँ पे होता है, SDM बिल्डिंग में ही, एक बड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ पे आपके जितने भी पटवारी से लेकर के SDM से लेकर के जितने भी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सारे के सारे ऑफिसर्स लेवल के या जो भी अन ऑफिसर्स जो हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे ही जा करके आपका सारा काम वगैरह जो है प्रोसेस होता है।
तो मैंने लगभग आपको ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया है कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, कैसे क्या करना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप डायरेक्टली मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।